नमस्कार, केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं ने गंगा में लगाई पूर्णी की डुबकी। रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में आयोजित कार्यक्रम में भोजपुरी नायक गायक व सांसद मनोज तिवारी ने की शिरकत और अपने गीतों की प्रस्तुति से जनता को जमकर झुमाया। कृषि कानून बिल को वापस लिए जाने के फैसले को लोगों ने बताया चुनावी एजेंडा। और वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई की जयंती की पूर्व संध्या पर उनकी जन्मस्थली पर किया गया दीपदान। और अब खबरें विस्तार से। कार्तिक पूर्णिमा के पर्व पर लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं ने गंगा में डुबकी लगाई, इसके साथ ही दान पुण्य किया। कार्तिक पूर्णिमा के पर्व पर वाराणसी में लाखों श्रद्धालुओं ने गंगा में डुबकी लगाई। वाराणसी के घाट स्नान करने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ से पटा रहा। 80 से लेकर वरुणा तक के सभी घाटों पर स्नान और पूजन का क्रम चलता रहा। वहीं दशाश्वमेध और आसपास के घाटों पर ज्यादा भीड़ रही। इसके साथ ही 80 घाट, तुलसी घाट इत्यादि घाटों पर भी श्रद्धालुओं की काफी भीड़ देखने को मिली। कार्तिक पूर्णिमा का स्नान करने दूर दराज के क्षेत्रों से आए दर्शनार्थियों और स्नानार्थियों की हुई भीड़ से पूरा शहर पटा रहा। कार्तिक पूर्णिमा पर स्नान करने और दान देने का विशेष महत्व है। गंगा स्नान करने वाले श्रद्धालुओं ने सुख समृद्धि की कामना की। वहीं शहर के विभिन्न क्षेत्रों में मेले जैसा माहौल रहा। दूर दराज से आए श्रद्धालुओं हेतु खाने पीने के इंतजाम वृहद स्तर पर किए गए थे। गुरुजी आज किस तरह का यहाँ गंगा स्नान दान चल रहा है? आज ये कार्तिक पूर्णिमा है। आज की पूर्णिमा को लोग देव दीपावली मनाते हैं, इसलिए यहाँ पे आज के दिन शाम के वक्त हर मंदिरों में अपने अपने घर में छत पे अपने अपने घर में जो मंदिर है उस स्थान पर देवताओं का नाम दीपक जलाया जाता है। और आज कार्तिक पूर्णिमा है, आज जो है चतुर्मास का समापन भया इस, और चूंकि एक कार्तिक मास में पड़ा है, भगवान कृष्ण का ये महीना माना जाता है, इसमें इस महीने का जो है बहुत महत्व है और कार्तिक मास में बहुत से पर्व पड़ते हैं। किस तरह का लाभ मिलता है आज के गंगा स्नान और दान से? पहले तो ऋषि पसंद होते हैं जिन्होंने इसको बनाया, पितृ पसंद होते हैं जिनको उनके वंशज कर रहे हैं, और देव पसंद होते हैं जिनके लिए हम लोग ये जो जिनके नाम से देव दीपावली कहते हैं। बहुत पुनीत महीना है, आज का दिन बहुत पुनीत माना जाता है। गुरुजी कितना भीड़ होता है इस घाट पे आज? भीड़ का अब तो गिनती नहीं भी किया जा सकता, लेकिन भीड़ होती है। कितना भीड़ होते है क्या गुरुजी? आज ऐसा कि सुनने में आता है कि काशी में सारे देवतागण भी आ जाते हैं, इस तरह का यहाँ नजारा होता है? आ जाते हैं काशी में तो हमेशा ही है, और आज के दिन उनका उत्सव मनाया जाता है तो उपस्थित रहते हैं। संध्या देवी कहाँ से आई है? गंगा औरंगाबाद से आए हैं हम लोग। अच्छा, तो क्या है, किस तरह का स्नान करने आई है, क्या माँ से प्रार्थना की? आज देव दिवाली है इसलिए हम लोग गंगा स्नान करने आए हैं गंगा घाट पर, और काशी विश्वनाथ बाबा की नगरी में आए हैं हम लोग पूजा करने आए हैं। अपना घर में लक्ष्मी, घर में शांति के लिए बहुत से सुख समृद्धि घर में आता है, शांति हमेशा के लिए रहता है, इसलिए हम लोग हमेशा कार्तिक में देव दिवाली मनाते हैं। किस लिए नहाने, कितनी संख्या में लोग नहा रहे हैं आज? कार्तिक महीने के पूर्णिमा का स्नान हो रहा है। आज के स्नान का महत्व 10,000 यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। आज के दिन स्नान करने के बाद तुलसा, विष्णु भगवान, शंकर भगवान, गंगा जी का पूजन करें और यथाशक्ति दान दक्षिणा करें और दरिद्र नारायण को भोजन करावें। ऐसा करने से जन्मों जन्मों का पाप नष्ट होता है, अंत में मोक्ष गति की प्राप्त होते हैं लोग। कितने की संख्या में आज भीड़ है? गिनती नहीं हो, आज जैसा भीड़ होना चाहिए वैसा भीड़ है नहीं। ये कोरोना काल चल रहा है, इससे परदेशी जो बाहर के लोग हैं वो नहीं आए हैं। आज पूर्णिमा, इस पूर्णिमा के क्या महत्व है? पूर्णिमा का देखिए महत्व यही है कि इसमें देवी देवताओं को दीपक जलाया जाता है,
दीपोत्सव होता है। इसके बाद लोग जो है अपने कष्ट को निवारण करने के लिए इस पूर्णिमा के प्रति अपना दान दक्षिणा ब्राह्मण को करते हैं। आत्मा को शांति मिलती है, पितरों को शांति मिलती है, सब परिवार को शांति मिलती है। इस कार्तिक पूर्णिमा का बहुत बड़ा महत्व है दान करने का। आज यहाँ पूर्णिमा पर आए हैं स्नान करने के लिए, क्या आपका श्रद्धा है? पूर्णिमा पर स्नान करने का, गंगा स्नान का बड़ा महत्व है। गंगा जी शंकर जी के सर से निकलती हैं, तो शंकर जी को बड़ा प्रसन्नता होती है गंगा स्नान करने से आज के दिन हैं। और बाकी सब इच्छाएं तो चलती रहती हैं। और एक हमारा बहुत ही पुराना परंपरा है जिसको हमको निभाना है, क्योंकि नई पीढ़ी में ये सब चीज़ें खत्म होती जा रही हैं। तो कम से कम उनको जिंदा रखने के लिए, नई पीढ़ी को इंस्पिरेशन देने के लिए हमको ये काम करना है। इसलिए मैं लखनऊ से बनारस आया गंगा नहाने के लिए। ऐसा काशी के घाट आप लोग देखने में कैसा लग रहा है? ठीक, हाँ बहुत अच्छा लग रहा है। पहले से अब से क्या परिवर्तन आपको समझ? मैं बनारस में ही पढ़ा हूँ BHU में, और तब 20-25 साल पहले और आज के काशी में बड़ा फर्क हो गया। मतलब स्वच्छता की दृष्टि से, गंगा के दृष्टि से, पहले गंगा में लोग नहाने के लिए जाने के लिए कतराते थे, लेकिन आज तो गंगा का पानी पूरा स्वच्छ हो गया है। हाँ, तो बड़ी प्रसन्नता के साथ लोग गंगा स्नान करते हैं। रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में आयोजित कार्यक्रम में भोजपुरी नायक, गायक व सांसद मनोज तिवारी ने शिरकत की और अपने गीतों की प्रस्तुति से खूब झुमाया। अंतर्राष्ट्रीय रुद्राक्ष कन्वेंशन सभागार में तुलसी के राम कार्यक्रम में भोजपुरी के लोकप्रिय नायक, गायक व दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी मृदुल ने जब मन संभाला तो सभागार श्रोताओं से खचाखच भर गया और इतनी ही संख्या सभागार के बाहर खड़ी होकर कार्यक्रम का लुत्फ उठा रही थी। मनोज तिवारी ने कई लोकप्रिय गीतों को प्रस्तुत किया और जनता के फरमाइश पर भी गीत सुनाया। इस अवसर पर पुलिस कमिश्नर ए सतीश गणेश, भाजपा महानगर अध्यक्ष विद्यासागर राय, मंत्री रविंद्र जायसवाल, भाजपा महानगर संस्कृति प्रकोष्ठ के संयोजक गीतकार कन्हैया दुबे सहित अनेक विशिष्ट गण उपस्थित रहे। कृषि कानून को वापस लिए जाने के फैसले को लोगों ने चुनावी एजेंडा बताया। केंद्र सरकार द्वारा पारित कृषि कानून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वापस करने की बात कही। इस पर वाराणसी के रोहनिया विधानसभा क्षेत्र के रमना गांव के लोगों का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ये फैसला काफी देर में लिया गया, जबकि किसान साल भर से ज्यादा समय से इस कानून को वापस लेने की मांग कर रहे थे। इसमें सैकड़ों की संख्या में लोगों की मौत हुई है। सरकार अगर पहले इस कानून को वापस ले लेती तो लोगों की मौत न होती। विधानसभा 2022 चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए प्रधानमंत्री ने ये फैसला लिया है। सुशील जी, आज जिस तरह से प्रधानमंत्री ने कृषि बिल वापस लेने की बात कही, किस नजरिए से देखते हैं? ये अच्छी बात है, माननीय प्रधानमंत्री जी बिल पास किए हैं, अच्छी बात है। मगर जो किसानों का मुद्दा, कितने किसान मर गए, आत्महत्या कर लिए, बहुत लेट किए प्रधानमंत्री जी। किसान बहुत दुखी है, उनसे खुशी लाए मगर बहुत लेट लाए हैं प्रधानमंत्री जी। और कोई किसान, बहुत महंगाई है किसान। क्या लगता है कि इस फैसले का असर 2022 विधानसभा चुनाव में पड़ेगा? नहीं, चुनाव में नहीं पड़ेगा। जनता यहाँ की जाग गई है, जनता को मालूम हो गया कि ये चुनाव आया है, इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ये बिल पास किए हैं और कह रहे हैं। किसान बहुत दुखी है, महंगाई और पेट्रोल, खाद, सब्जियां बहुत महंगाई है। नागेंद्र जी, आज प्रधानमंत्री ने कृषि बिल वापस लेने की बात कही है, किस तरह फैसले को देखते हैं? फैसला भैया ये बहुत देर की है, प्रधानमंत्री जी को ये करना था तो वही समस्या लिए। फैसले से बहुत नुकसान हुआ है,
किस तरह का नुकसान हुआ? जान माल का नुकसान हुआ है, बहुत से जाने चली गई, बहुत से का लोग आग नहीं हुआ, बहुत नुकसान हुआ, देश का बहुत नुकसान हुआ है। तो क्या प्रधानमंत्री जो 2022 में चुनाव उत्तर प्रदेश में, क्या उस तरह पर देखते हुए फैसला लिए हैं आपकी नजर? हाँ, चुनाव को देखते हुए किए होंगे फैसला, लेकिन ये फैसला उनको उसी समय ले लेना चाहिए जब जब किसान आंदोलन कर रहे थे, उसी समय इसको वापस लेना चाहिए था। प्रधानमंत्री जी ने आज कृषि बिल वापस लेने की बात कही है, क्या देखते हैं? 2022 का चुनाव भी है, किस तरह से देखिए, अभी जैसे कि 1.5 साल से निलंबित मामला चल रहा था, समझ रहे हैं? राकेश टिकट जी जो आज आंदोलन कर रहे थे किसानों के हित के लिए, एक बहुत बड़ा आंदोलन था। और मैं कहना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी से कि अगर यह जो आज बिल वापस हुआ है 2022 को चुनाव को देखते हुए, अगर यह बिल पहले अगर वापस होता तो लगभग जो हमारे 400-300 किसान जो मरे हैं, ठंड से मरे, गर्मी से मरे, भूख से मरे, हड़ताल से मरे, एक्सीडेंट से मरे, आज वो घटना नहीं घटता, आज उनके परिवार के लोग खुश रहते। और माननीय प्रधानमंत्री जी जब शुरू में बिल लागू किए तो कम से कम उनके जो कि शासन प्रशासन के जरिए जो बैठ के बना होगा बिल, तब जाके आया होगा, पास हुआ होगा, संसद भवन से भरे। लेकिन अगर ये चीज़ पहले अगर बैठ के विपक्ष के नेताओं से समझ लिए होते तो आज इतना बड़ा दिक्कत का सामना किसानों को नहीं उठाना पड़ता, ना माननीय मोदी जी को इतना सुनना पड़ता। और जो माननीय मोदी जी आज तो बिल वापस लिए हैं तो भाई उनको बधाई देना चाहता हूं। लेकिन जो राकेश टिकट जी का जो आंदोलन था, सबसे पहले मैं उनको सल्यूट करना चाहता हूं, जो किसानों को एक रथ एक साथ लेके जो कि गांव से लेकर शहर से लेकर दिल्ली तक पहुंचने का काम किया, घेराव काम किया, मैं उनको बहुत दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं राकेश टिकट जी को। लोगों का कहना है, सियासी लोगों को देख रहे हैं सियासी चश्मे से, कि 2022 का चुनाव है इसलिए फैसला लिया गया, तो क्या आप ये देखिए, सीधा सीधा बात है, अगर किसी व्यक्ति को 10 रुपया लिया गया, अगर वहीं से 100 रुपया मिलता है तो कम से कम वो आदमी सोचता है कि माफ कर दे। 22 का चुनाव है और चुनाव ये 22 का बहुत कठिन चुनाव है, 2022 का जो ये चुनाव है बहुत कठिन चुनाव है। इसको देखते हुए माननीय मोदी जी ने जो निर्णय लिया है कि अपने लाभ के लिए लिया है, कि किसानों के लाभ के लिए लिया है, अगर बिल बन गया था तो अगर ये चुनाव के बाद लागू करते तो बात समझ में आता, आंदोलन जारी रहता, लेकिन चुनाव से पहले अगर कहीं बिल माफ किए हैं तो इसमें कहीं ना कहीं बहुत बड़ा एक राजनीतिक चीजें जुड़ी हुई हैं। वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई की जयंती की पूर्व संध्या पर उनके जन्मस्थली पर दीपदान किया गया। जागृति फाउंडेशन एवं महारानी लक्ष्मीबाई जन्मस्थली स्मारक समिति के संयुक्त तत्वाधान में वीरांगना लक्ष्मीबाई की 186वीं जयंती की पूर्व संध्या पर भदैनी स्थित उनकी जन्मस्थली पर दीपदान कर उनके अमर गाथा को याद किया गया। 2 दिवसीय समारोह का शुभारंभ मुख्य अतिथि संकट मोचन मंदिर के महंत विशंभर नाथ मिश्र, विशिष्ट अतिथि साहित्यकार डॉक्टर जयप्रकाश मिश्रा, आभा मिश्रा व जागृति फाउंडेशन के महासचिव रामयश मिश्र ने संयुक्त रूप से वीरांगना की जन्मस्थली पर दीप प्रज्वलित करके किया। महारानी लक्ष्मीबाई की स्मृति में जले असंख्य दीप से वीरांगना की जन्मस्थली जगमग उठी। इस अवसर पर महंत विशंभर नाथ मिश्र ने कहा कि आज महारानी लक्ष्मीबाई के बलिदान की वजह से हमारा देश आजादी की सांस ले रहा है। वीरांगना लक्ष्मीबाई के परम साहस के कारण अंग्रेजों को देश छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। इस अवसर पर सीपी जैन, आकाश श्रीवास्तव, प्रियांशु जोशी, पुष्कर मिश्रा इत्यादि लोग उपस्थित रहे। देखिए, 19 नवंबर को हर वर्ष हम लोग इस पवित्र धरती पर झांसी लक्ष्मीबाई, जिनका बाल्यकाल यहाँ बीता है, उनका जन्म मनाते हैं और इसी बहाने इस मिट्टी को आके स्पर्श करके अपने मन को, अपने मस्तिष्क को पवित्र करते हैं। और ये ज़मीन ये भी बताता है कि कैसा कमिटमेंट झांसी लक्ष्मीबाई में रहा कि बिना किसी के सहयोग के ब्रिटिशर से ऐसे वो भिड़ी कि उसका उदाहरण हमारे ख्याल से अनपैरल है। और एक तरह से स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत उन्होंने ही की, और जिसका कि 100 वर्ष से ऊपर लगे और भारत फिर आज इस रूप में आप देख रहे हैं। धन्यवाद। आज ये कार्यक्रम महारानी लक्ष्मीबाई जन्मस्थान स्मारक समिति ABBP और जागृति फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में हुआ है। बुंदेले हर बोलों से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, हो तो झांसी वाली रानी थी, वो झांसी की रानी थी बल्कि काशी की बेटी थी। हमें गर्व है, हमें बहुत गौरव की अनुभूति भी होती है कि जिस 80 भदैनी में हम पैदा हुए, उस 80 भदैनी की एक ऐसी वीरांगना जो अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दी, और उसी लड़ाई का परिणाम था कि अंग्रेजों का हौसला इतना खत्म हो गया कि उन्होंने देश छोड़ के भागने पर मजबूर हुए। आज हम उस परिसर में इकट्ठा हुए हैं। आज पूर्व संध्या पे हम लोग हर वर्ष की भांति इस बार भी दीपदान करते हैं। हमारे मुख्य अतिथि संकट मोचन मंदिर के महंत
विशंबरनाथ मिश्र थे, साहित्यकार डॉक्टर जयप्रकाश मिश्र थे, एबीवीपी की हमारी दीदी नीलम जी थी। और सबसे खुशी की बात है कि इस बार एबीवीपी हम लोग के साथ कंधे से कंधा मिला के चल रहा है। और हम लोग एक मांग भी करते हैं, आप तो विगत 5 साल से सुन भी रहे होंगे कि हम लोग एक ट्रेन चलाने की अपने पीएम से मांग कर रहे हैं, जो हमारे वाराणसी के सांसद भी हैं, कि वो एक वीरांगना एक्सप्रेस ट्रेन अगर नई ट्रेन न चला सके तो जहाँ से बुंदेलखंड एक्सप्रेस जो ट्रेन जाती है उसका नाम ही सिर्फ वीरांगना कर दे, तो इस वीरांगना के प्रति उनकी सच्ची श्रद्धा होगी। क्योंकि हमारे पीएम उनका बड़ा इज्जत करते हैं। जब ऑस्ट्रेलिया वो गए थे तो ऑस्ट्रेलिया के वकील जो उनका केस लड़े थे रानी लक्ष्मीबाई का, ऑस्ट्रेलिया जाके उनको ताम्रपत्र दिए, उनका अभिवादन किए कि आप महारानी का केस लड़ी थी। और वो नहीं थे, उनके पूर्वज तीसरी पीढ़ी में हो गए और उनका कृतज्ञता ज्ञापित किए कि आप मेरे महारानी लक्ष्मीबाई का केस लड़े थे। तो ऐसे प्रधानमंत्री से हम निवेदन करते हैं और योगी जी से कम जैसे सब जगह का नाम बदल रहे हैं तो एक वीरांगना ट्रेन कम से कम हमारे रानी लक्ष्मीबाई के नाम पे हो, यही उनसे हमारी अपील है। जय भारत जय। आज यहाँ महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मतिथि मनाने के लिए उपस्थित हुए हैं और यहाँ ये बहुत हर्ष का विषय है कि माननीय प्रधानमंत्री जी अमृत महोत्सव के द्वारा जो स्वतंत्रता संग्राम में जिन लोगों को लोग भूल गए थे उनको याद करते हुए ये उनकी जन्मतिथि मनाई जा रही है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी का। मंगलकरण श्री हनुमान मंदिर में श्री रामचरितमानस पाठ का भव्य आयोजन हुआ। चौका घाट स्थित संजय गांधी नगर कॉलोनी में मंगलकरण श्री हनुमान मंदिर में रजत जयंती वर्ष के अवसर पर 2 दिवसीय कार्यक्रम के अंतर्गत श्री रामचरितमानस पाठ का भव्य आयोजन हुआ, जिसमें मंदिर प्रांगण की आकर्षक सजावट की गई। इसके साथ ही विधिवत पूजन कर भजन कीर्तन का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में प्रमुख रूप से किशन सिंह, अशोक तिवारी, अंजनी शर्मा, अशोक चौधरी सहित बड़ी संख्या में भक्तगण उपस्थित रहे। किस तरह का यहाँ रामचरितमानस चल रहा है? इस मंदिर का 25वां वार्षिकोत्सव है जो रजत जयंती वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। इसके उपलक्ष्य में कल भयंकर दिव्य शोभा यात्रा का आयोजन हुआ था और उसके बाद अखंड रामचरितमानस का पाठ हुआ और आज सामूहिक भंडारा है। और यह जो कार्यक्रम हो रहा है पूरे विश्व के कल्याण के लिए किया जा रहा है कि पूरे विश्व में, प्रदेश में, देश में सबका हित हो, सबका कल्याण हो, इस कामना से कार्यक्रम किया जा रहा है। मोहनसराय चौराहा स्थित हाईवे पर मालवाहक पिकअप अनियंत्रित होकर खड़ी ट्रक में जा टकराई, जिसके चलते 2 लोग घायल हो गए। रोहनिया मोहनसराय चौराहा स्थित हाईवे पर रात्रि में लगभग 2:30 बजे माता प्रसाद पेट्रोल पंप के सामने हाईवे पर राजा तालाब की तरफ से वाराणसी की ओर तेज रफ्तार से आ रही प्याज लदी मालवाहक पिकअप अनियंत्रित होकर सामने खड़ी ट्रक में टकरा गई, जिससे पिकअप सवार ड्राइवर व खलासी गंभीर रूप से घायल हो गए तथा मालवाहक पिकअप जीप बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों घायलों को अस्पताल भिजवाया, इसके साथ ही ट्रक को अपने कब्जे में ले लिया। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं ने गंगा में लगाई पूर्ण की डुबकी। रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में आयोजित कार्यक्रम में भोजपुरी नायक गायक व सांसद मनोज तिवारी ने की शिरकत और अपने गीतों की प्रस्तुति से जनता को जमकर झुमाया। कृषि कानून बिल को वापस लिए जाने के फैसले को लोगों ने बताया चुनावी एजेंडा। और वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई की जयंती की पूर्व संध्या पर उनकी जन्मस्थली पर किया गया दीपदान।
तो ये थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।